मैं आया हूँ एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट के अंदर जो कि चाइना के अंदर है। ये इनका देख सकते हो, ये कबाब, ये बकलावा और एक ये राइस पुडिंग यानी कि खीर। और सो गाइस, खाना इतना कुछ खास नहीं था, थोड़ा टाइम वेट करा और फिर मैंने शेफ भी पूछा कि मैं किस मैंने अभी थोड़ी सी वीडियो एंड करने वाला था, फिर मैंने यहाँ के जो आज वापस से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों को लगता है चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ फूड ही होता है या फिर वेस्टर्न लोगों के लिए या फिर फॉरनर लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता खाने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ और चीज़ें दिखा दूँ आपको। आज मैं आया हूँ एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट के अंदर जो कि चाइना के अंदर है और मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जो रेस्टोरेंट है ये टर्किश स्टाइल में है, यानी कि जो यहाँ पे कुजीन है सारे टर्किश कुजीन है। तो मैं आपको दिखाऊँगा आप यहाँ पर आज कि क्या कुछ प्राइस रहता है यहाँ के खाने का और क्या क्या यहाँ पर मिलता है और कैसा उसका टेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस जगह का नाम है डेजर्ट रूम, जो कि टर्किश स्टाइल रेस्टोरेंट है। तो ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इनका आउटसाइड वाला एरिया है, यहाँ पे भी आप बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हो, यहाँ पर तीनों चीज़ें अवेलेबल है। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो कुछ ऐसा इनका एंट्रेंस रहता है और ये इनका तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे मेन्यू था टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर जो कि चाइना के अंदर है। और अभी मैंने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, उसको आने दो, आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या खाना ऑर्डर किया, कैसा टेस्ट था और कितने का मुझे खाना पड़ा। गाइस, अभी मैंने तीन चीज़ें ऑर्डर की थी उसके अंदर, एक ये था जो कि ये बकलावा और एक ये राइस पुडिंग यानी कि खीर। और अभी मेरी टर्किश कॉफ़ी बाकी है, वो आने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट रहा। था मेरा तीसरा ऑर्डर जो कि है टर्किश कॉफ़ी, अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। जो बकलावा था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था और जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, वैसे लाइक इन चाइना अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम देते हैं। आई थिंक यही मेन रीज़न है कि चाइना के अंदर बहुत कम वेस्टर्न रेस्टोरेंट हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सो गाइस, खाना इतना कुछ खास नहीं था, लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी कम थी और सिर्फ बकलावा मुझे अच्छा लगा टेस्ट वाइज। बाकी वो पुडिंग, राइस पुडिंग यानी कि जो खीर थी वो भी कुछ खास नहीं थी,
और टर्किश ट्रीट वॉज वेरी बैड, सबसे गंदी मुझे वही लगी। खैर अगर आपने कहीं नई जगह जाते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, आप देखते हो चीज़ें, तभी आपको पता लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट मुझे जनरली एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मन नहीं करता नए नए फूड, खासकर जब तुम भूखे हो, लाइक जब तुम्हें भूख लग रही हो और तुम किसी रेस्टोरेंट पे जाओ और आपको ऐसा कम टेस्ट वाला या फिर गंदा नहीं कह सकते, कम अच्छा कह सकते हैं, कम अच्छा लाइक ज़्यादा अच्छा टेस्ट ना मिले जैसे आप चाह रहे हो, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हो। बट इट्स ओके, खैर नई चीज़ एक्सप्लोर करी, चाइना में रह के आपको टर्किश स्टाइल फूड मिल रहे हैं, कुजीन मिल रहे हैं, सो इट्स गुड। सो इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी वेस्टर्न फूड इन चाइना के लिए भी आप मेरी बाकी वीडियो आगे देख सकते हो। गाइस स्टार्टर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर मैंने थोड़ा टाइम वेट करा और फिर मैंने शेफ़ भी पूछा कि मैं क्या ऐसा ट्राई करूँ जो मुझे अच्छा लगे। फिर उन्होंने मुझे दो चीज़ सजेस्ट करी, तो आप देखो, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी टेस्टी दिख रही है, अभी मैं खा के आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये बारबेक्यू प्लेटर जो कि मैं इसी टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर खा रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और ये क्रीमी चीज़ पास्ता आप देख सकते हो, लुक सो डिलीशियस, लेट्स ट्राई। तो एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे कॉफ़ी बहुत ही गंदी लगी थी इनकी, कि आपकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये टर्किश टी दिए विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री में। मैंने अभी थोड़ी सी वीडियो एंड करने वाला था, फिर मैंने यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे थोड़ी बात करी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और मैं यहाँ टोटल बिल बना अराउंड 300 RMB, उसके अंदर सारी चीज़ें थी जो जो मैंने आपको दिखा दी, और आपने मेन्यू देख लिया होगा। सो फॉर मोर वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।